शाम की तैयारी और जो भी दर्शन दिखाए थे लाइव राम जी के, वो पूरे हमने सबने देखे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो हमने यहाँ घर पे बैठ के भी आरती करी और हमने अपने हमारे कान्हा जी को ही अपने राम जी के रूप में बिठाया है। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यही हैं हमारे राम जी और कान्हा जी। और जो अभी भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की गई है अयोध्या में, तो वो भी ऐसी ही है सेम। और ये हमारे कान्हा जी, ये रही राधा रानी, और ये सबसे छोटे वाले बाल कान्हा जी, ये देख सकते हैं आप। हमारी राधा रानी के पता नहीं मुंह पे बाल क्यों आ जाते हैं। तो देख लिया गाइस, और यहाँ पे जो वो लटका था ना, वो मैंने सब हटा दिया। हमने मंदिर हमारा पूरा क्लीन कर लिया, अब कोई भी काम नहीं है। और शाम को करेंगे जो भी होगा। अभी कान्हा जी थोड़े रेस्ट कर रहे हैं, तो शाम को करेंगे जो भी दिए वगैरह लगाने होंगे। और झंडा भी लगा ही दिया है। अभी मैं पार्लर में बिजी थी, किसी को हेयर कट कराना तो वो कराया, और हम सब ने लगाया है लंबा लंबा तिलक, और इन्होंने नहीं लगाया। इन्होंने बोला मेरे छोटू से लगा देना, तो इन्होंने छोटू से लगाया है और हमने ये लगाया है। ठीक है, तो मैं हमारे घर में बने आज आलू टमाटर और दूसरी सब्जी बनी है पत्ता गोभी, वो भी ख़त्म हो गई शायद, मेरे लिए ही बची है इतनी सी। और ये है दलिया और ये है दूध रखा है। तो गाइस अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ही नहीं खाया, ओनली ऑन एक ब्रेड का टुकड़ा खाया था। बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो अभी मैं बना लूँ खा लूँ खाना, बन तो गया ही है। और क्योंकि मैं पार्लर में बिजी हो गई थी, और मेरा भाई मुझे डांट रहा है कि तूने वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो मुझे उसे वीडियो भी सेंड करनी है, और क्या बोलती थोड़ी सी मुझे एडिटिंग भी करनी है, फिर जाके मैं देखती हूँ मुझे और क्या काम है, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। अब मैं मिलूँगी सीधे आपसे शाम को। ओके गाइस, मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैंने सोचा चलो अपने यहाँ के ऊपर का नज़ारा दिखा देती, तो हर घर में झंडे दिख रहे होंगे आपको, लेकिन हमारे घर में अभी नहीं लगाया, वो लेने गए हैं क्योंकि घर पे कोई गाड़ी नहीं थी, इस चक्कर में लेट हो गया, तो अब वो लेने गए हैं। तो अब हम लगा देंगे हमारे घर में भी झंडा। अजमेर का व्यू आप देख सकते हैं, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। ये क्या ये अच्छा होता है, चल यहाँ पर भी सातिया बन रहा है। और कहीं पे बनाना है क्या? नहीं, बस मुख्य द्वार और मंदिर। तुम ही बना सकती हो बस इसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बना सकता, बनाना है। ठीक है, ये हो गया। ये हमने ये दरवाजे के बाहर ऐसे लगाई है, अभी दिए जलाएंगे इन पे। और ये जो मम्मी ने व्लॉग नहीं डाला था, जो अपन चूड़ियों से बनाया था, वो रखा है। ए गाइस, तो हमारी डेकोरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हमने दीपक लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो वीरान शाह पीछे पीछे मेरे घूम रहा, तो देखो मेरे ऊपर ही गिरे जा रहा है, तो मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ। एक काम कर, मेरे ऊपर ही गिर जाए, तो बोलता है कैसे गिरूँ मम्मी तुम्हारे ऊपर में, और वो प्लेट दिखा रहा है देखो इसमें। फिर मैं दिए मैंने गेट पे लगा दिए, अब मैं लगाऊंगी दिए पूरे घर में, उसके बाद लगाने जाऊंगी मैं ऊपर दिए। तो हमने हमारी किचन की स्लैब पे सारे दिए जला के और सजा के रख ली थी, ताकि मैं उठाऊं और ऊपर ले जाके इनको लगा दूं, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फटाफट लगाने में दिए। अभी इन जो ये जो फूल फ्लावर्स है ना, इसमें भी दीपक जला के रखने हमको सारी जगह, क्योंकि है ना फिर इतना टाइम नहीं है, उसके बाद हम पटाखे वगैरह भी चलाएंगे, खाना भी खाएंगे यार, फिर सुबह बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो सोना भी है, तो इसलिए टाइम से सारा काम हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीरांश देख रहा है ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो मैंने कहा दोबारा से दिवाली मना रहे हैं हम सब, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इधर शीतल भी बीच बीच में दिए रखती जा रही है, मैं भी रखती जा रही हूँ, ऐसे क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा सारा काम। एक जना रखेगा तो थोड़ा देर में होता है, तो यहाँ पर वो बीच में मेरे को बोले है ना थोड़े से फ़ोटोज़ भी खिंचा लेना, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खिंचाने अभी कोई भी फ़ोटो, मुझे पहले मेरा काम करने दो। फिर बोले नहीं एक तो खिंचा ले, फिर ये ना ऐसे पोज लेने लगे तो मैं खड़ी हो गई थी, और तो इसके अलावा फिर है ना ये शीतल बीच में आके मुझे धक्का देने लगे, मैंने कहा मुझे कोई फ़ोटो नहीं खिंचानी है। तो यहाँ पर मैं जला रही हूँ मेरी तुलसी मैया ने दिया, क्योंकि नीचे सब जगह जला दिया था, बस तुलसी मैया रह गई थी। तो तुलसी मैया में मैं पहले आरती कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे दीपक लगा दूँगी, और उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, दीपक भी बड़ी मुश्किल से लग रहा था, और हवा भी बहुत चल रही थी,
तो मैंने कहा तुलसी में दीपक तो लगानी है, और अचानक से दो पत्ते मेरी प्लेट में गिर गए आके तुलसी के, मुझे पता भी नहीं पड़ा। मैं नीचे देखी आके, मैंने कहा देखो गाइस, तो अब हमारी बन रही है पनीर की सब्जी, और है ना, और खीर बनाएंगे एक साइड में, और यहाँ पे शिमला मिर्ची। तो हम बना रहे हैं चिली पनीर। चिली पनीर तो ये शिमला मिर्ची फ्राई हो चुकी है, इधर प्याज भी फ्राई हो चुका है, पनीर कट के इधर रख गया है, और दूध यहाँ रखा है। अब इसकी बनेगी खीर। और बच्चे बहुत ज़्यादा ये ग्रेवी यहाँ बुन रही है, बच्चे मचा रहे हैं बहुत शोर। अभी तो मेरी साड़ी जल जाती है, ये बहुत गलत जगह रख दिया शीतल, यहाँ रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ वैसे तो हमने सारा दिखाई दिया था, और एक बार मैंने मंदिर में वापस से दिए लगाए थे, और मैंने जब अखंड ज्योत नहीं जलाई थी, तो अब हमने अखंड ज्योत जला दी है। राम जी के नाम की ज्योति जलानी थी आज, इसलिए मैंने ज्योति जला दी। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारे राम जी, राम जी, कान्हा जी, विष्णु जी, सब सेम ही है यार, जिसको वो अपनी सोच है। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको सबको मौका मिलना चाहिए। तीनों ने इतनी उधम मचा रखा है, इतनी बदतमीजी कर रखी है। सुबह स्कूल जाना है, स्कूल नहीं वीरांश, बैड खराब हो जाएगा। सुबह स्कूल जाना है लाडो, चलो स्कूल जाना, सो जाओ सो जाओ। वो शीतल नौटंकी देख सही में सो गई जाके। देखो गाइस, देखो गाइस, क्या वो लग गई कहाँ पे, नौटंकी है, तीनों एक नंबर की नौटंकी। अभी इसके लगी थी पापा। ए गाइस, तो अब हम चलाने जा रहे हैं पटाखे, और कुछ तो हमने चला भी लिए, और अब हम करेंगे मस्ती थोड़ी सी। दिवाली है यार, वो हमने साड़ी वाड़ी तो चेंज कर ली, क्योंकि पटाखे से अगर जल गई तो और लो, क्योंकि पिछली बार इन्होंने मेरी साड़ी जला दी थी। तो अब हम जला रहे पटाखे, देखो मैंने भी जलाए थे। ये लाडो आज डर रही है, पता नहीं क्यों लाडो यार, ठंड हो रही है यार। गाइस, अरे लाइट ऑफ कर दी ना अपनी, बहुत देर हो गई गाइस। तो यहाँ पे देखो, ओह शिट शिट, क्या है ये, अरे गिरा के चला गया, बच गए हम सब। इसने ना चक्री उल्टी चक्री पे लात मार दी और हमारे ऊपर आ गई, और अनार था वो बहुत तेज, पैर में मेरी ईंट लग गई, ये पड़ी है यहाँ पे, और मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखी, बहुत तेज लग गई मेरे पैर में। क्या पता कौन ढोल बजा रहा है। हाँ मम्मी, मेरे पैर में लग गई, तो हमने भी, हमारा देखो झंडा कैसे लहरा है, जय श्री राम। इतनी रात में ढोल कौन बजा रहा भाई, पता नहीं बजा रहा होगा कोई, मुझे क्या लेना है। डांस कर रहे थे ये यहाँ पे, ये डांस कर रहे थे हैं गाइस, यहाँ पे ना सब डांस कर रहे थे। अभी अब बंद कर दिया लोगों ने डांस करना, सामने वाली छत पे आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कौन पागल है। तो ये डांस कर रहे हैं अपनी छत पे, मजे ले रहे हैं सब लोग यार, हम क्यों ना ले मजे। अब मेरे ऊपर मत फेंक देना प्लीज इसको, पता नहीं जो भी छाप है, गीता सीता जो भी है वही जलाएंगे। मैं जलाऊंगी, मैं जलाऊंगी, मैं लो पकड़ो, अभी मत करना, कर दिया मैंने, चालू एक चुप, दिमाग खराब करता है, ऐसे जला दूं। ए भाई सीधा रखना है इसको। तो
गाइस हमने चला लिए बहुत सारे पटाखे, लेकिन इतना लंबा क्योंकि पटाखे बहुत सारे हैं फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा हमने आपको दिखा दिया। हमने एंजॉय करा और हमने घर में जो भी सजावट की वो आपके साथ सारी शेयर की है। तो अब हमने अभी तक नहीं खाया खाना, हम पहले एंजॉय कर रहे हैं और रात के बज रहे हैं 10:30। हम पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं और देखो वहाँ पर कैसा डांस चला है। क्लोज करके दिखा देती थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा लग रहा है इनमें पता नहीं, मुझे ये खुद ही नहीं पता ये हो क्या रहा है। गाइस देखो ये हो क्या रहा है, ए इन लोगों में कोई घुस तो नहीं क्या? गाइस फदाई नहीं क्या कर रहे हैं, एक उधर डांस कर रही है और एक इधर कर रहा है, जैसे ना इनमें पता नहीं क्या भूत भूत घुस गया है जाने पता नहीं क्या। ये अजीबोगरीब डांस हो रहा है, अजीबोगरीब। देखो दिख रहा होगा ना आपको, चलो कोई नहीं अब इनको ही क्या दिखाती रहूँ मैं का पटाखों से। तो रहे ना दोनों, कल चला लेना, कल राम राम है ना, कल राम राम है, कल राम राम है, कल भी चलाएंगे देखना। लोग हवाई तो चल रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो गाइस यहाँ पे ना हवा चल रही है और ठंड लग गई तो ना बैंड बज जाएगी। यार मैं तो नीचे जा रही हूँ, ठीक है चलो। तो फिर यार बस ये कि ये जला लो, आ जाओ अब कल चला लेना, सुनो कल चला लेना, आ जाओ फिर। आज ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, चलो गाइस तो हम नीचे जा रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कल स्कूल जाना है तो आके चला लेना। यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, फिर वो ईंट लग गई ना मेरे पैर में इसलिए मेरे को पेन हो रहा है। ये देखो यहाँ बैठ के खाना खा रही है डर के मारे, इसको बहुत डर लगता है। लेकिन ये वाले जल रहे हैं जो मंदिर में लगाए थे, राम मंदिर हमने बनाया था यहाँ पे। तो हम नीचे जा रहे हैं, खाना खाएंगे फिर उसके बाद सोएंगे, क्योंकि पहले खाना खा लेते हैं फिर बाद में कोई और काम, पहले खाना खाएंगे फिर, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल भी जाएंगे तो खीर जहाँ तक है बनने में। अब तो लाडो कहाँ बैठी है, जल गई? बन गई। अच्छा इलायची और डाली क्या इसमें? अभी तो इसमें ड्राई फ्रूट डाले, मैंने बस वो चार ही डाली थी ना, मैं यहीं तो रख गई थी, लेकिन ये बहुत गाढ़ी हो गई खीर। दूसरे तरीके से बनाई है ना? नहीं गाढ़ी हो गई, थोड़ा दूध और डल जाएगा वो देख पहले। ये क्या हो गया? मैंने सीटी निकाल लेकर रखा ना, सीटी के संग दूध निकल रहा था, बिगर निकाल ली। अरे यार गाइस देखो ये क्या कांड हो गया। तो चलो पहले मैं इसको पहले मुझे साफ कर लेती हूँ फिर देखती हूँ। तो ये खाना अपना खुद लगा के ले जा रहे हैं, तुम लोग तो 10 बार तेरे को बोल दिया लाइक क्या रहा है, खाना लगा के ले जा रहे हैं ऊपर के। हम कह रहे हैं नीचे खा लो, मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध फैल गया था। तो हम सब खाने जा रहे हैं खाना, लाडो भी खा रही है। मुंह क्यों बना रही है इतना गंदा सा भाई? तो गाइस मैं भी खाई लेती हूँ खाना, खाना खा के फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी सी देर के लिए। और हमारी खीर ऑलमोस्ट डन हो चुकी और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी इसमें और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, पर पूरा सारा मैसी हो गया यहाँ पे। तो ठीक है मैं खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी भी मेरे मुंह में हलवा चल ही रहा है, खुशबू ने बना के भेजा था, बहुत टेस्टी था हलवा, ये देखिए। दोबारा देखे गए थे चाचा, एक बार जो देखे गए हमने बोला इतना सा हलवा इतने सारे जनों में, तो फिर वो दोबारा देखे गए और हम सब ने खाना खा लिया है। और बहुत अच्छे से हमने आज रामलला का आगमन किया और बहुत इंजॉय किया, पूरा घर सजाया जैसा कि हमने आपको दिखाई चुके हैं, पटाखे वगैरह चलाए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके दोस्तों बाय बाय गुड नाइट। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी ब्लॉग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड नाइट बाय बाय।